जनपद शामली कांडला क्षेत्र के गांव भविसा में पंचायत का आयोजन किया गया। कांडला क्षेत्र के गांव भविसा में 36 बिरादरी की पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि सत्ता पक्ष का कोई भी नेता उनके बीच नहीं आएगा, आना है तो किसान बनकर आए। पंचायत में 36 बिरादरी के लोग सम्मिलित हुए। जी हां, आपको बता दें कि कांडला गांव भविसा में किसान आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए निर्णय किया गया कि सुचारू रूप से चलाने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष दिनेश कुमार को नियुक्त किया गया, जिनके सहयोग के लिए 31 सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिसकी अध्यक्षता चौधरी मोहर सिंह ने की, संचालन सुखपाल सिंह ने किया। पंचायत में जगबीर सिंह प्रधान, सुरेश पाल प्रधान, साहब सिंह प्रधान, विजेंद्र सिंह प्रधान, मास्टर जगदीश, मास्टर हरिंदर सिंह, नीरज जिला प्रचार मंत्री, देवेंद्र सिंह, अमरीश चौधरी, सचिन जावला चौधरी, बुडियान खाप, निर्मल शर्मा, जयपाल चावला पूर्व प्रधान, ब्लॉक अध्यक्ष विनोद प्रधान, उत्तम पाल, योगेश भविसा आदि सैकड़ों किसान मौजूद रहे। एक पंचायत का आयोजन किया गया है, क्या कारण है, ये पंचायत किस लिए बुलाई गई है? ये पंचायत किसान आंदोलन जो चल रहा 3 माह से दिल्ली में, तो किसान मजदूर सभी मिलकर पूरे गांव के 36 बिरादरी के लोग इकट्ठा हुए, सभी ने इसका समर्थन करा। और उसके बाद में एक दिनेश भाई को उसकी जिम्मेदारी दी संगठन की, उसके उसे अध्यक्ष बनाएगा और सभी पट्टी से, सब बिरादरी से सभी लोग चिन्हित करेंगे, सब लोग मिलकर उसमें इनका सहयोग करेंगे और आंदोलन को सफल बनाने की मीटिंग करेंगे। धन्यवाद सर। आपका नाम? दिनेश कुमार। आज आपको पगड़ी बांधी गई है, ये पगड़ी किस लिए बांधी गई है आपको? ये किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए पूरे गांव ने पगड़ी बांधी, जिम्मेदारी दी सभी 36 बिरादरी ने, और इसे मैं सबकी जिम्मेदारी पर खड़ा उतरूंगा। अपने पूरे प्रयास से सब साथ ले गए और गाँव में कमेटी बनाई जाएगी और सब संगठन को मजबूती देने के लिए आंदोलन को चाहे कितना ही लंबा चलो उसे पूरा करने के लिए सब लोग सहयोग कर साथ रहेंगे। चौधरी साहब, आपका नाम? सुखपाल सिंह। ये आज क्या मामला है, आप कैसे इकट्ठा हो रहे हैं? आज सर समाज की पंचायत बुलाई थी गांव में और ये निर्णय लिया गया कि दिनेश कुमार जी अध्यक्ष बनाए गए किसान आंदोलन के संचालन के लिए, और सर समाज का सहयोग रहेगा और बीजेपी के सत्ता पक्ष के किसी भी नेता का, मंत्री का गांव में आगमन नहीं होगा। और क्या क्या निर्णय लिए गए हैं? बस वहाँ उसके आंदोलन को सफल बनाने के लिए तन मन धन से सहयोग करेंगे, आंदोलन चाहे 10 साल चले। और किसान आंदोलन के लिए कमेटी का गठन किया गया, जिसमें दिनेश जी को, भाई दिनेश जी हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया और उनके साथ में उनका सहयोग करने के लिए 20-25 मेंबरों का चुनाव किया गया प्रत्येक बिरादरी से, जिससे कि आंदोलन में अच्छी प्रकार से सहयोग दिया जा सके। और हर यानी कि 15-20 दिन बाद एक बार वहां पे जाके और 8-10 दिन तक वहां पे रुक के आओगे, 20-25 आदमी एक बार जाएंगे, कभी 200 चले गए, कभी 200 चले गए, ऐसे जाएंगे बार बार। तो इस पंचायत जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक पूरी खाप और चौधरी सचिन जावला किसान यूनियन और किसान संयुक्त मोर्चा के साथ खड़ा है। अच्छा, ये जो आज पंचायत हुई है जी, क्या भविष्य गांव की पंचायत है या कई गांव की पंचायत? इसमें भविष्य गांव की पंचायत तो है ही है, और तो जो 2-4 गांव जो हमारे हैं यहाँ पे, उनसे भी कुछ लोग आए हुए हैं। कौन कौन से गांव? जैसे हुरमनपुर हुआ, अपना शाहपुर है, डांगरोड है, यहाँ से भी कुछ लोग आए हुए हैं, यहीं पे बैठे हैं मेरे ताऊ जी वगैरह जी। धन्यवाद।